जय जिनेंद्र। शाकाहार सदाबहार किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप ये क्या सोच रहे हैं टमाटर रखने इतने सारे? टमाटर नहीं है, ये है आलू बुखारा। तो जो आलू बुखारा होता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मतलब उंगलियों में नहीं गिन सकते इतने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। खट्टा मीठा जैसे इसका स्वाद होता है, तो कई बार बच्चे लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इसको चाहें तो इससे जैम बना सकते हैं, इसको ब्रेड पे, चपाती पे, पराठे पे, आदि किसी भी चीज़ में आप इसको लगाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो साथ में ही जिनको इमली अमचूर, जैसे हड्डियों के रोगों के कारण इमली अमचूर आदि इन चीज़ों का खाना मना होता है, जो नहीं खा सकते हैं, तो उनको भी आप इसको जम से बनी हुई चटनी आदि दे सकते हैं। जो चाट पकौड़े के साथ वो लोग इसको सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लम होता है बहुत ही यूजफुल और बहुत ही टेस्टी फल होता है, इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं प्लम जैम। तो यहाँ पर प्लम जैम बनाने के लिए हमने लिए हैं, जो लाइट कलर के देसी प्लम होते हैं वो हमने लिए हैं। तो दो प्रकार के प्लम आते हैं, डार्क वाले भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब ये जो प्लम है इसको हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि ऊपर हो सकता है वैक्स कोटिंग आदि भी आजकल करते हैं। तो इसके लिए आप इसको पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद इसको सूखे कपड़े से या पेपर से अच्छे से पोंछ लीजिए। तो यहाँ पर हमने धोकर पोंछकर अब ये जो प्लम है इनको हम कट करेंगे। तो इनको कट करने के लिए जो करते समय इसमें बीच में सीड्स होते हैं उसको हमको हटा लेना है। तो यहाँ पर हमने जो प्लम के सीड्स हैं हटा लिए हैं, सारे प्लम को हम कट कर लेते हैं। अब ये जो प्लम है इसको हम चॉपर में डाल देते हैं चॉप करने के लिए। और यदि आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐसे ही पका सकते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं और उसका बहुत अच्छे से मैश भी हो जाते हैं। पर चॉपर में ये चॉप करने से क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आता है हमारे जैम का। तो यहाँ पर हमने इसको चॉप कर लिया है और अब इसको हम डालेंगे एक भारी तले की कढ़ाई में, तो जिसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब इसको हम डाल देते हैं इसमें, और इसके तुरंत बाद ही हम जब ये पूरा हमने डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी की मात्रा जैसा इसका खट्टा मीठा स्वाद होता है उसके अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.25 कप या मतलब 225 ग्राम के लगभग हमने चीनी ली हुई है, क्योंकि 500 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा थे ये प्लम, तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा चीनी डाली है। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसको चलाते हुए पकाते जाएंगे, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्रिस्टलाइज ना हो। और फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और यहाँ पर ये पकते हुए इसमें हमने इसी समय इसको डाल दिया है दालचीनी को। और यहाँ पर देखिए जो हमारा जैम बन रहा है, हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद में जो प्लम का कलर है वो काफ़ी बदल चुका है, पहले एकदम लाइट कलर था, अब हल्के हल्के धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है। और देखिए अभी झाग भी उठ रहा है, तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, पर जब जैसे जैसे धीरे धीरे पकता जाएगा तो ये जो फैन ऊपर आ रहा है ये भी कम हो जाएगा, और साथ में जो हमारा जैम है उसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर तब तक जैम पक रहा है, हम यहाँ पर अपना जार भी तैयार कर लेते हैं भरने के लिए। तो जार को हमने गर्म पानी से धोकर और सुखा लिया है, धूप में रख दिया था थोड़ी देर। और यहाँ पर जो हमारा जैम है लगभग पककर तैयार हो रहा है, तो एक बार हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि पका है या नहीं पूरी तरीके से। तो इसके लिए एक प्लेट में हम इसको थोड़ा सा निकाल कर देखेंगे, तो ये बहुत अच्छे से अभी तो नहीं पका है, अभी इसमें कसर बाकी है, क्योंकि देखिए बहुत ही एकदम से फ्लो हो रहा है। तो दोनों तरफ हम इसको करके देख रहे हैं तो दोनों तरफ से अभी बह रहा है, और चारों तरफ से थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है इसमें। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, तो अभी थोड़ी देर और पकने देते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप थोड़ी सी इसकी फ्लेम है वो तेज कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा इसको चलाते भी जाएं। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम, तो 5 मिनट बाद हमने फिर से चेक करा है, तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा ये तेज़ी से हमें लग रहा है कि इसकी कसर बाकी है, थोड़ा सा और पकाना है। तो 1-2 मिनट के लिए और हम इसको पकाएंगे, और कलर भी देखिए आप, एकदम नेचुरल कलर है, इसमें कुछ भी हमने फूड कलर नहीं डाला है। और यहाँ पर ये लगभग तैयार हो चुका है हमारा जैम, तो इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि किस प्रकार से हमारा जैम पककर तैयार हुआ है। तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहना चाहिए कि कच्चा रहे या ख़राब होने के कोई चांसेस हों उसमें। तो यहाँ पर हम इसको अब डालते हैं, तो देखिए बिल्कुल जो बूंद है वो ठहर जा रही है, जैम पूरा ठहर गया है। तो यहाँ पर हमारा जैम है वो तैयार हो गया, क्योंकि ठंडा होने के बाद में जैम जो है वो थोड़ा सा भी और गाढ़ा होगा, इसलिए अब इसको जो हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
और हमारा जैम तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम रख देते हैं, थोड़ी देर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में ही इसको हम जार में भरेंगे। तो देखिए इसका जो कलर है एकदम परफेक्ट और बहुत ही सुंदर कलर आया है हमारे जैम का, और ये एकदम नेचुरल कलर है, इसमें कोई फूड कलर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लम जैम है इसको आप लोग भी ज़रूर बनाएं, जो कि बच्चों को टिफ़िन में झटपट सुबह सुबह रखने के लिए ब्रेड में, चपाती में या फिर पराठे में आप किसी पे भी लगाओ, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो इसको आप लोग भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ तो घर की ही होती है और बहुत टेस्टी और पौष्टिक होती है और साथ में हाइजीनिक भी होती है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें, और मेरे चैनल शाकाहार सदाबहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र।